गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। दिवाली वेकेशन के बाद ये आपका फर्स्ट इंग्लिश लेक्चर है और मैं लेसन नंबर 2 डाउ शेप्स स्टार्ट करने वाली हूँ। लेसन नंबर 1 ड्रॉप आउट किया है, ड्रॉप किया है, तो हम लोग लेसन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे डाउ शेप्स। ये आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर, हाँ आपको समझ में आया होगा। ये आटा का आटा है, चपाती का आटा जो रहते हैं मम्मी गूंथती है रोटी बनाने के लिए, दैट इज़ द डाउ। तो हम लोग क्या करेंगे इधर इसमें देखते हैं। ट्राई दिस एंड टेल द अदर्स, यहाँ पे आपको ट्राई करना है, आटो से मदद से कुछ शेप तैयार करना है, कुछ शेप यहाँ पे बनाना है। ओके सी ये क्या क्या है देखो, दाल भी रखा है, किसी ये बीज है, राजमा ये है सब, तो आटा सब एवरीथिंग इज देयर। ओके लेट्स सी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते, क्या क्या चीज़ें है। देखिए फ्लावर 1 कप, 1 कप आटा, नमक सॉल्ट 1 कप, ऑयल 4 टीस्पून और वाटर। क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, फ्लावर मतलब आटा 1 कप, 1 कप नमक, 4 चम्मच तेल और पानी। उसके साथ साथ सीड्स और दाल फॉर डेकोरेशन, सीड्स अभी बीज वगैरह होते हैं, अनाज में आता है आपका बीज वगैरह वो भी, या दाल का मदद लेके हम लोग डेकोरेशंस करेंगे। व्हाट डू यू डू, अभी हमें क्या करना है देखिए, पुट द फ्लावर द साल्ट एंड द ऑयल इन ए बाउल, आटे को सॉल्ट को और तेल को एक बाउल में इन्हें बर्तन में हमें लेना है, कटोरी में लेना है। एड हाफ कप ऑफ वाटर एंड मिक्स वेल विद द स्पून, थोड़ा पानी डाल के हाफ कप पानी डाल के उसे अच्छी तरह से मिलाना है, किसको, आटे को सॉल्ट को और ऑयल को। ओके जो हमने बाउल में लिया है, यहाँ पे मात्रा दी गई है कि कौन सी चीज़ें कितनी लेनी है, क्वांटिटी दिया गया है। ओके तो उन सब क्वांटिटी को एक साथ बाउल में डाल के मिक्स करना है आधा कप पानी के साथ। हैड मोर वाटर इफ़ द डाव इज ड्राई, अगर वो सूखा सूखा आपको लग रहा है तो थोड़ा हाफ पानी डाल के उसे मिला दीजिए अच्छे से। हैड फ्लावर इफ़ द डाव इज स्टिकी मिक्स वेल, अगर बहुत पानी डाल दिया आपने तो थोड़ा और आटा मिला दीजिए ताकि वो एक गूंद सके, यहाँ पे जैसा तैयार हुआ वैसा बन सके, अच्छी तरह से मिलाना है। सून योर डो विल बी रेडी, उसके बाद वो आटा गूंद के तैयार हो गए। यू कैन नीड द डो, यू कैन प्रेस द डो, यू कैन स्क्वीज द डो, यू कैन रोल द डो एंड गिव इट एंड शेप एंड, जब आटा गूंद जाता है तो हम उसे किसी भी आकार में उसे ला सकते हैं, अंडरस्टूड, काफ़ी सॉफ्ट होता है वो, उसको मिक्स ये करने में तो आकार देने में इजी होता है, तो वही वो लोग बोल रहे हैं आप उसको स्क्वीज़ कर सकते हैं, ऐसा दबोच सकते हैं या रोल कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं या कोई भी शेप दे सकते। शेप द डाउ टू मेक एनी शेप ऑफ योर चॉइस, तो वो डाउ जो आटे का गूंद है उसको आप थोड़ा थोड़ा लेके कोई भी शेप बना सकते हैं। बच्चों के लिए एक अच्छा सा एक्टिविटी है जिससे आप लोग शेप भी बनाना सीख जाओगे और कुछ बनाना भी सीख जाओगे, शेप भी समझ में आपको आने लगे। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द शेप्स वी कैन मेक, डेकोरेट योर डाउ शेप्स विद ऑनियन सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, मसूर दाल एक्सेट्रा, जो आपने शेप्स वगैरह बनाए उसको आप डेकोरेट कर सकते, प्याज का बीज होता है उससे, राय से या मसूर दाल से, इनके मदद से आप उसको डेकोरेट कर सकते। यू कैन यूज़ द सेम डाव अगेन एंड अगेन, जो आटा आपने एक बार इस्तेमाल किया उसको फिर से आप इस्तेमाल में ला सकते हो, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, फिर से वो अपना अलग सा आकार ले सकता है। ऑब्जेक्ट मेड आउट ऑफ डाव, ओके बॉल बना सकते हैं, ये सब ब्रिक बना सकते हैं, ईट के तो ईट होते हैं जो, क्यूब के शेप बना सकते हैं, कोन का शेप में भी बना सकते हैं आप, आटे को लेके आप ये शेप शेप बना सकते। देन है रिंग्स बना सकते हैं बिस्किट की तरह, सिलेंडर, प्लेट एंड बाउल, अट व्हील, बास्केट एंड फिश, इस तरह आप अलग अलग चीज़ें आटे के मदद से गूंदे हुए आटे के मदद से कर सकते। देखो कितना प्यारा लगता है, आप उसको डेकोरेट भी कर सकते, अगर वो सूखता है तो उसमें कलर भी कर सकते, फिश को हम लोग कलरफुल भी बना सकते। यहाँ पे बास्केट देखिए, उसमें चीज़ें रखिए, टेबल्स रखिए, व्हील ये दे चक्र है, हम लोग एक छोटा सा हट भी बना सकते इस आटे के
आटे से, ओके, दिस इज ऑल आर शेप्स। आप लोग भी घर में ट्राई कीजिए, जब मम्मी आटा गूंथती है या स्पेशली मम्मी को बोल दीजिए थोड़ा सा आटा लेके, आप उसमें से शेप ट्राई कर सकते हैं, ओके। ये सब शेप ट्राई कर दीजिए तो आपको भी थोड़ा कुछ सीखने को भी मिलेगा और वो शेप भी समझ में आएगा, किस तरह बनाया जाता है वो भी समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पेरेंट्स की मदद से कुछ शेप कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, एक अलग सा एक्टिविटी आपके लिए जो घर बैठे बैठे आप ट्राई कर सकते। ना इंस्ट्रक्शन है, आपको कुछ सावधानी करना है। इंस्टेड ऑफ डाव क्ले कैन बी यूज, इंस्टेड ऑफ डाव क्ले कैन बी यूज। अभी रेडीमेड आपको क्ले मिलता है चिकनाट वाला, अगर आटा घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आटा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप क्ले का इस्तेमाल भी कर सकते, रेडीमेड क्ले मिलता है, आप उसे लेके ऐसे आकार ये सब शेप्स वगैरह दे सकते। इसके अलावा भी आप दूसरा कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं एक डेकोरेट में। यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाल्स टू डेकोरेट द ऑब्जेक्ट, अलग अलग तरह के डाल का इस्तेमाल लेके आप उसको